नीम, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए। वो ऐसा है कि आपने मुझसे कुछ कहना है ना, तो आप कुछ कहें। आप वही तो कह रहा हूँ मैं। आपने मुझसे कुछ कहना है तो आप वही क्यों कह रहे हैं? देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, बल्कि मैं जब आपने मुझसे कुछ नहीं कहना तो आपने मुझे रोका क्यों? अरे बात तो सुने आप। बोलिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको शर्म आनी चाहिए डॉक्टर भगत। क्यों, तारीफ मैंने की है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ डॉक्टर भगत। तो क्या शादीशुदा लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जलाल को पता चल गया तो आपको गोली मार देंगे। क्यों, क्या डॉक्टर जलाल को शादीशुदा लोगों से इतनी नफरत है? ओहो, अगर डॉक्टर जलाल को पता चल गया कि आप उनकी बीवी पे लाइन मार रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको गोली मार देंगे। फ्लर्ट? नहीं डॉक्टर, नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप बात ही गलत कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक कैप्सूल इजाद किया है जिसको खाने से मर्द हो या औरत 7 दिन के अंदर अंदर जो उसे खाएगा दुबला हो जाएगा, स्लिम। ओहो डॉक्टर भगत, मुझे नहीं खरीदना। क्या आपका कैप्सूल? क्या मैं आपको मोटी लगती हूँ? अरे आप मोटी नजर नहीं आती मुझे, बल्कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप इस कैप्सूल की एड फिल्म में अगर एज अ मॉडल मेरे साथ काम करें तो। सच में डॉक्टर भगत, मैं मॉडल लगती हूँ? मॉडल जैसी, बल्कि आप मॉडल ही लगती हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप मॉडल नहीं हैं, बल्कि सुपर मॉडल। थैंक यू बरकत। तो हम कब करेंगे शूट? आज और अभी। चले चले। मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, लोग मुझे भैंस भैंस कह के बुलाते थे। फिर एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे बकस स्लिमिंग कैप्सूल के बारे में बताया, मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। वाकई ये कैप्सूल बहुत कमाल है, अब मैं बहुत पतली हो गई हूँ। बकस स्लिमिंग कैप्सूल खा के पिया या पी के खाओ, बकस स्लिमिंग कैप्सूल जो नाम है एतमाद का। पहले आइए पहले पाइए। अरे क्या बात है डॉक्टर, नहीं बात कमाल कर दिया आपने। मैं कैसी लग रही थी? आप तो यार ऐसी वैसी लग रही थी। क्या मतलब है डॉक्टर भगत, मैं ऐसी वैसी लग रही थी और आपने मुझे बताया नहीं, मैं और मेकअप कर लेती ना। अरे नहीं, मेरा मतलब है आप बहुत अच्छी लग रही थी यार, बिल्कुल बिल्कुल मॉडल नहीं बल्कि सुपर मॉडल। बस डॉक्टर नीन, ये एड चलने की देर है, फिर मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। और हाँ, कल मैं मीडिया के सामने अपनी इस इजाद को पेश कर रहा हूँ, फिर मैं इस दुनिया का सबसे अजीम डॉक्टर बन जाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर नीन। जलाल, तुम यहाँ बैठे हुए मक्खियां मार रहे हो? नहीं भाई, मैं फाइल पढ़ रहा हूँ। तो बस तुम यहाँ बैठ कर फाइल ही पढ़ते रहना और वो बरकत तुमसे आगे निकल जाएगा मक्खियां मारने में। ओहो जलाल, उसने एक कैप्सूल बनाया है। तो क्या हुआ, मेरा अपना जाती मेडिकल स्टोर है। कोई आम कैप्सूल नहीं है जलाल, उसको खाते ही मोटा आदमी दुबला हो जाता है 7 दिन के अंदर अंदर। तो सोचो जलाल, सोचो क्या कर रहे हो जलाल। अरे भाई सोच रहा हूँ। क्या तुमने सोचने को कहा था? ये नहीं कहा था कि क्या सोचना है? एक नंबर के डफर हो तुम। हाँ ये सोचना है। सोचो जलाल, अगर भगत ने वो कैप्सूल मीडिया के सामने पेश कर दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, और वो एक छोटा सा डॉक्टर मशहूर हो जाएगा और तुम। नहीं नहीं, देखो जलाल, अगर तुमने काम करना है तो सीधी शराफत से करो, वरना मुझे तुम्हारे जैसे नाअहल और जाहिल डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखे सर, कोई देखे वेखे नहीं, यहाँ से मुझे माफ कर दे, मैं इंशाल्लाह आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर मुझे माफ कर दो। जलाल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जलाल मेरे पास एक आइडिया है। अरे आइडिया को छोड़ो, कैप्सूल हासिल करना है। ओहो, एक ऐसा प्लान है कि कैप्सूल भी हमारा हो जाएगा और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तुम ही करोगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं खुशी से तीसरी शादी करूंगा। क्या तीसरी शादी? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तुम ही से करूंगा, तुम मुझे सिर्फ प्लान। यही कि तुम तीसरी शादी करोगे?
ओहो भाई मैं कैप्सूल के बारे में कह रहा हूँ, बताओ क्या प्लान? प्लान सर, आपने मुझे बुलाया? अरे अरे आओ डॉक्टर बरकत, यार तुम आते ही नहीं हो। कैसी बातें कर रहे हैं सर, कसम ले ले मैं रोजाना आता हूँ, आप अटेंडेंस चेक कर लें। ओहो मेरा मकसद है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो। हाँ सर, असल में मैं बिजी था और तुम जानते हो ना, तुम मेरे बेटे हो। बेटा? अम्मी ने तो कभी नहीं बताया मुझे। क्या यही कि मैं आपका बेटा हूँ? वो क्यों बताएगी, मैंने उनको बताया ही नहीं। ये तो जुल्म है सर। जुल्म? जी हाँ, कि मैं आपका बेटा हूँ ये बात आपने ना मुझे बताई और ना मेरी माँ को। वो तो बेचारी ये कहते कहते मर गई कि मेरा बाप बचपन में ही फौत हो गया था। तुम्हारी माँ के बचपन में? अरे सर मेरे बचपन में मेरे, लेकिन आपने ये सही नहीं किया। अगर तुम्हारा बाप मर गया तो मैं कैसे ठीक करता? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप मेरे बाप हैं। ओहो डॉक्टर बरकत, अरे मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। तो ऐसे बोले ना सर। कैसे? क्या ऐसे? मेरा मतलब है अभी तो तुम कह रहे थे कि ऐसे बोलो। अरे छोड़े ना सर, ये बताएं बुलाया क्यों है आपने? डॉक्टर बरकत, सुना है तुमने कैप्सूल बनाई? जी हाँ सर, मैंने एक ऐसा कैप्सूल बनाया है, ऐसा कैप्सूल बनाया है कि बस क्या बताऊं। बस कल ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, फिर आप देखिएगा मेडिकल नहीं बल्कि मेडिसिंस की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब आएगा, ऐसा इनकलाब आएगा कि हर कोई डॉक्टर बरकत कर रहा होगा। डॉक्टर बरकत, ये कैप्सूल मुझे दे दो। क्यों? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेकिन ये कैप्सूल तो मैंने बनाया है सर। ये कैप्सूल मुझे दे दो डॉक्टर बरकत। सर ये क्या कर रहा है सर, ये कैप्सूल सर मैंने बनाया है सर, मेरी जिंदगी भरी। ये कैप्सूल तुझे हजम नहीं होंगे मोटे दला। अब मैं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। Hmm.